राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर दोपहर में चुनाव आयोग ने घोषणा की और आचार संहिता लागू हो गई। इसके तुरंत बाद कुछ ही घंटों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है विधानसभा सीटों की। सूची हमारे हाथ में है जिसमें 42 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर कर दिए हैं। जी हां, ये वे सीटें हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर है। सबसे चौंकाने वाला नाम जिस सीट पे आया है वो है भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक की एकमात्र सीट विद्याधर नगर पे। लगातार 3 बार से नरपत सिंह राजवी जीत रहे हैं। नरपत सिंह राजवी पहले भी 2 बार चित्तौड़गढ़ रहे थे। नए परिसीमन में नरपत सिंह राजवी यहां यानी कि राजस्थान के जयपुर जिले की विद्याधर नगर सीट जो नई बनी 2008 में वहां लाए गए। भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं और लगातार जीत रहे हैं। 3 बार उनका टिकट काट दिया गया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के एक संस्थापक सदस्य भैरव सिंह शेखावत के परिवार से फिलहाल ये जो सूची आई है इसमें किसी को टिकट नहीं दिया गया है। नरपत सिंह राजवी के बेटे अभिमन्यु भी टिकट की दौड़ में बताए जाते हैं, लेकिन अभी तक उनके नाम का उल्लेख नहीं हुआ है। ऐसे में साफ है कि जहां उन्होंने लगातार काम किया था वहां से उनका टिकट कट जाना। जिनको टिकट दिया गया है वो भी बड़ा चेहरा है। जयपुर के पूर्व राज परिवार की सदस्य रही श्रीमती दिया कुमारी जो फिलहाल राजसमंद की सांसद हैं, उनको यहां से टिकट दिया गया है। एक सीट, एकमात्र विद्याधर नगर सीट ऐसी रही है जहां पे यह टिकट जो है वो बदला गया है। बाकी सभी जगह भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट डिक्लेयर की है उसमें आपको जान के हैरत होगी कि इस सूची में करीब 15% टिकट जो है वो सांसदों को दिए गए हैं। जी हां, एक राज्यसभा समेत 7 सांसद विधानसभा चुनाव में उतार दिए गए हैं। जो सबसे बड़े नाम आ रहे हैं उसमें किरोड़ीलाल मीणा का है। सवाई माधोपुर से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा 2013 में एनपीपी के टिकट पे सवाई माधोपुर से चुनाव लड़े थे, दिया कुमारी के सामने हार गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से बाबा किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर से विधानसभा सीट की ताल ठोकेंगे। एक और बड़ा नाम जयपुर ग्रामीण के सांसद, जयपुर ग्रामीण से लोकसभा के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का है। झोटवाड़ा सीट पर उन्हें उतारा गया है, जयपुर की झोटवाड़ा सीट पे। यह सीट भी बीजेपी का गढ़ रही है, लेकिन पिछली बार लालचंद कटारिया ने, कांग्रेस के लालचंद कटारिया ने सीट को बीजेपी के राजपाल सिंह शेखावत को हरा करके हासिल किया था। राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कट चुका है। जी हां, राजपाल सिंह शेखावत आर्थिक मामलों के जानकार हैं। भैरव सिंह शेखावत के जमाने से ही कद्दावर नेता रहे हैं, वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं। ऐसे में उनका टिकट कटना साफ तौर पे इशारा करता है कि वसुंधरा राजे के खेमे को इस बार बीजेपी जो है वो ज्यादा तरजीह नहीं देने वाली सीधे तौर पर है। इसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आला कमान यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा की टीम मिलकर ही तय करेगी। कई तरह के सर्वे हैं, कई तरह के समीकरण हैं और कई तरह की जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए टिकट डिक्लेयर किए गए हैं। तो बीटीपी की 2 सीटें हैं सागवाड़ा और 84, उन सीटों पर भी प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए गए हैं भाजपा ने। दोनों ही सीटें जो आदिवासी अंचल की सीटें हैं, एक तो 84 और सागवाड़ा। सागवाड़ा से बीटीपी के जो नेता हैं विधानसभा में राम प्रसाद विधायक हैं और 84 से राजकुमार रोहत हैं। दोनों ही जगहों पर सागवाड़ा में शंकर डेचा को टिकट दिया गया है। शंकर डेचा जो है 2018 का चुनाव हारे थे बहुत मार्जिनल कम वोटों से, 4582 वोट से हारे थे। वहीं 84 में जो वो भी एसटी की सीट है वहां सुशील कटारा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। हम अभी इन 42 सीटों पूर्व पे एक एक करके बात करते हैं। इससे पहले अपन बात कर रहे थे कि 7 सांसदों को इस चुनाव मैदान में उतारा गया है। इनमें सवाई माधोपुर से किरोड़ीलाल मीणा हैं और दिया कुमारी हैं विद्याधर नगर सीट से, जयपुर ग्रामीण से जो सांसद हैं उनको झोटवाड़ा सीट पे भेजा गया है। इसके अलावा मंडावा सीट पर नरेंद्र खीचड़ जो पहले विधायक रह चुके, बाद में विधायक का इस्तीफा देके सांसद बने और अब वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे मंडावा सीट पे, जहां से रीता चौधरी हैं। उसके अलावा भागीरथ चौधरी जो अजमेर के सांसद हैं उनको भी किशनगढ़ सीट पे उतारा गया है। बाबा बालकनाथ जो अलवर के सांसद हैं उन्हें भी तिजारा सीट से विधानसभा चुनाव में
उतारा गया है। तो ऐसे में एक जालौर सिरोही सीट है, वहां से भी देवजी पटेल को सांचौर सीट पे उतारा गया है। इनको उतारने से जिले के गणितीय जो समीकरण है जातिगत, वो भी प्रभावित होंगे, उन पे चर्चा करेंगे। लेकिन एक एक सीट की बात करते हैं कि किस सीट पे क्या रहेगा, क्या हालात देखते हुए वोट पड़ेंगे या क्या हालात देखते हुए वोट पड़ेंगे, इस आधार पे प्रत्याशियों का निर्धारण किया है भारतीय जनता पार्टी ने। गंगानगर जो कि 2 नंबर क्रमांक वाली विधानसभा है, वहां से जयदीप बियाणी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है। वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 29,000 वोट लाए थे, और ये वही गंगानगर सीट है जहां से फिलहाल निर्दलीय राजकुमार जो गौड़ है कांग्रेस के खाते में, कांग्रेस के जो पक्ष में बैठने वाले विधायक जब सरकार बाड़ाबंदी में गई थी या सपोर्ट वाली फ्लोर टेस्ट वाली बात आई, तो राजकुमार गौड़ भी निर्दलीय हैं, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जयदीप बियाणी को टिकट दिया है। जयदीप बियाणी जो है वो ये गंगानगर की वही सीट है जहां से पहले 6-7 बार विधायक रह चुके राधेश्याम गंगानगर को लोगों ने पिछले चुनाव में 7वें नंबर पे धकेल दिया था। 2013 में विधायक रही कामिनी जिंदल को वहां 6ठे नंबर पे धकेल दिया गया था। गंगानगर का मूड जाति के आधार पे चलता नहीं है, आम आदमी पार्टी भी अलग तरीके से विचार कर रही है, साथ ही आरएलपी भी अपने पैर पसार रही है वहां। तो चुनाव गंगानगर का बड़ा रोचक होगा, पंजाब और पंजाबियत के मूड वाली सीट है वो। ऐसे में बीजेपी ने जयदीप बियाणी को टिकट दिया है, देखना है जयदीप बियाणी कैसा परफॉर्मेंस वहां पे करते हैं, क्योंकि गंगानगर 2008 में राधेश्याम गंगानगर कांग्रेस से बीजेपी में आकर चुनाव जीते थे, 2013 में कामिनी जिंदल जमींदारा पार्टी से जीती, और 2018 के अंदर जो है वो राजकुमार गौड़ जो है निर्दलीय जीते। तो 8 के बाद कोई पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत पाई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। और भादरा सीट जहां पे अभी कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है उसके जो है बलवान पूनिया वो विधायक हैं। बलवान पूनिया के लिए मुश्किल ये रहेगी कि जो उनकी पार्टी है वो नेशनलिस्ट पार्टी है, और क्या वो इस बार भी कम्युनिस्ट पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे, हालांकि कम्युनिस्ट विचारधारा उनकी अक्सर नजर आती है, किसानों के मुद्दों पे, मजदूरों के मुद्दों पे विधानसभा में बोलते हैं। लेकिन उनके सामने संजीव बेनीवाल को टिकट दिया गया, 2018 में वो 2रे नंबर पे रहे थे। डूंगरगढ़ सीट, वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी के जो गिरधारी लाल महिया हैं उनके सामने ताराचंद सारस्वत को प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। ताराचंद 2018 में 3रे नंबर पे रहे थे, और यहाँ आरएलपी भी खेल कर सकती है। और सुजानगढ़ जो कि एससी की सीट है, नया नया जिला बना है सुजानगढ़ से, मास्टर भंवरलाल मेघवाल 2018 के चुनाव में बने थे, समाज कल्याण के मंत्री बनाए गए, लेकिन असामयिक निधन के चलते उनके बेटे मनोज मेघवाल जो है फिलहाल विधायक है। वहां से श्रीमती संतोष मेघवाल को चुनाव मैदान में उतारा गया है, महिला प्रत्याशी है। देखना है कि जिला बनाने का जो जिले की घोषणा हुई है, बना नहीं है सुजानगढ़ जिला, 53 जिले राजस्थान में कर दिए हैं, लेकिन 3 जिलों का नोटिफिकेशन होना है। ऐसे में सुजानगढ़ के लोग क्या वाकई वापस मनोज मेघवाल को जिताएंगे, वो नए चेहरे पे जाएंगे, ये बड़ी देखने वाली रोचक बात होगी, क्योंकि 3 जिले जो बनाए हैं उसमें सुजानगढ़ की मांग सर्वाधिक थी। झुंझुनू सीट है, वहां पे फिलहाल ब्रजेंद्र रोड़ा लगातार 3 बार जीत रहे हैं। ये तमाम सीटें जो कांग्रेस के लगातार जीत रही सीटें हैं, या तो वो हैं या भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी स्विच हो रहा है, वैसी सीटें हैं ये 42 सीटें जो है। तो ब्रजेंद्र ओड़ा 3 बार से लगातार जीत रहे थे, उनकी जगह उनके सामने अगर उनको टिकट दिया जाता है तो बबलू चौधरी को टिकट दिया गया, नया नाम है, दिल्ली में पदस्थ एक बड़े नेता की सिफारिश उनके लिए चली है निश्चित तौर पे, और इस नाम पे थोड़ी कंट्रोवर्सी भी है जिस पे हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन बबलू चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है झुंझुनू से। मंडावा जो सीट है वहां से रीटा चौधरी उपचुनाव में जीती थी, नरेंद्र कुमार वहां 2018 का चुनाव बीजेपी के टिकट पे जीते, बाद में सांसद का चुनाव लड़े झुंझुनू से, लेकिन रीटा चौधरी जो है उपचुनाव हुआ तब जीत गई। अब वापस नरेंद्र कुमार खीचड़ जो है उनको सांसद को चुनाव मैदान में फिर से उतारा गया है। नवलगढ़ सीट जो है, नवलगढ़ में राजकुमार शर्मा लगातार 3 बार जीत रहे हैं, 2008 में वो बसपा से जीते थे, फिर बसपा का विलय हुआ, चिकित्सा राज्य मंत्री बनाए गए, उसके बाद में उस सीट पे लगातार वो कांग्रेस के टिकट पे जीत रहे हैं। विक्रम सिंह जाखल जो पिछली बार 3रे नंबर पे रहे थे उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है। वहां पे ब्राह्मण सैनी जाट मतदाताओं की बहुतायत है, राजपूत समाज के भी बड़े लोग हैं। ऐसे में देखना है कि विक्रम सिंह जाखल को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है, क्या कमाल दिखाते हैं वो। अब अगर अपन बात करें सबसे एक और हॉट सीट, वो सीट जिसने हॉट होने के साथ साथ कलर भी लाल कर दिया है, जी हां, लाल डायरी वाली उदयपुर वाटी विधानसभा सीट, जहां से राजेंद्र गुढ़ा का ये माना जा रहा था कि वो बीजेपी जो है वो शिवसेना को ये सीट दे सकती है, लेकिन नहीं दी बीजेपी ने। वहां से शुभकरण चौधरी को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। शुभकरण और राजेंद्र सिंह गुढ़ा, उनकी अदावत लगातार मंचों पर रही है। ऐसे में
राजेंद्र गुढ़ा यहां से शिवसेना के प्रत्याशी अलग से होंगे या कुछ और सेटअप बैठेगा, ये बड़ा देखने वाली बात होगी। गुढ़ा के लिए टिकट फिलहाल तय नहीं किया गया है। और फतेहपुर सीट की बात करें तो वहां पे श्रवण चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। और फतेहपुर में फिलहाल हाकम अली खान विधायक हैं कांग्रेस से, मुस्लिम खास करके कायम खानियों की संख्या बहुतायत में है और साथ ही दलित और राजपूत मतदाता जो है वो ये तय करते हैं कि किसे जिताना है। श्रवण चौधरी को टिकट दिया गया, इस सीट पे या तो जाट विधायक बने हैं लेकिन ज्यादातर मुस्लिम विधायक बने हैं। राजपूत समाज अक्सर कायम खानी समाज के साथ जाता है, चुनाव मैदान चुनाव परिणाम जो है वो उसी तरीके से आता है। तो और इसके अलावा एक और हॉट सीट पे डिक्लेयर किया है बीजेपी ने प्रत्याशी सुभाष महरिया को। जी हाँ, सीकर जिले की सबसे हॉट सीट है लक्ष्मणगढ़, जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव लड़ते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के लगातार बयानबाजी भाषण से आरएसएस बड़ी नाराज बताई जाती है, आरएसएस को लेकर वो लगातार तल्ख टिप्पणियां करते रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के सामने सुभाष महरिया, जाट वर्सेज जाट, उसके बीच में क्या कोई तीसरा रास्ता निकलेगा, आरएलपी कैंडिडेट उतारेगी या नहीं, राजपूत समाज या दलित समाज क्या सोचता है, इस पे इस चुनाव का परिणाम बहुधा प्रभावित करेगा निश्चित तौर पे। तो यह देखने वाली बात होगी कि लक्ष्मणगढ़ सीट जो है वहां से कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तीन बार के बाद क्या चौथी बार चुनाव जीत पाएंगे। डेवलपमेंट करवाया है उन्होंने खूब, सीकर को संभाग दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, लेकिन ये भूमिकाएं क्या चुनाव मैदान में वोटों को कन्वर्ट कर पाएगी, बड़ा सवाल है। अगली सीट दांतारामगढ़, दांतारामगढ़ से गजानंद कुमावत को टिकट दिया गया है। इससे पहले हरीश कुमावत जो है उनका टिकट कट गया था, हरीश कुमावत का टिकट काट के गजानंद कुमावत को टिकट दिया गया है। दांतारामगढ़ से कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह विधायक हैं, इनके पिता नारायण सिंह कांग्रेस के बड़े नेता रहे, सात बार लगातार जीते हैं। कोटपुतली जो सीट है जहां से गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव लगातार दो बार विधायक हैं, ऐसे में यहां से हंसराज पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है बीजेपी में। गुर्जर समाज से आते हैं और ये सीट जो है 25 साल से बीजेपी के खाते में नहीं आ पाई है। 1998 में यहां से रघुवीर गौड़ जरूर जीते थे, उसके बाद ये लगातार कभी निर्दलीय तो कभी कांग्रेस के खाते में जा रही है। इसके अलावा दूदू सीट, दूदू जी हाँ, राजस्थान का सबसे छोटा जिला दूदू, वहां से बाबूलाल नागर लगातार जीतते रहे हैं। 2013 में जो उन्होंने बाबूलाल नागर को पटकनी दी थी प्रेमचंद बैरवा, उनको एक बार फिर से टिकट दिया है बीजेपी ने। चुनाव वहां भी रोचक होगा, जिले की घोषणा और नोटिफिकेशन के साथ में बाबूलाल नागर काफी मजबूत है, लेकिन बीजेपी क्या क्या समीकरण बनाती है, क्या माहौल बनाती है, उस पर बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। झोटवाड़ा सीट का हम जिक्र कर चुके, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को यहां से टिकट दिया गया है। सामने निश्चित तौर पर लालचंद कटारिया होंगे जो गहलोत सरकार में कृषि मंत्री हैं। विद्याधर नगर सीट, नरपत सिंह राजू का टिकट काटा गया है, दिया कुमारी को यहां से टिकट दिया गया है। बस्सी सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है और वहां पर चंद्रमोहन मीणा रिटायर्ड आईएएस को टिकट दिया गया है, बीजेपी में शामिल हुए थे और अंजू देवी फिलहाल वहां से विधायक हैं निर्दलीय। और तिजारा जो सीट है इसके आगे, तिजारा सीट बड़ी रोचक चुनाव होने वाला है, वहां से बसपा के टिकट पे वाजिब अली, सॉरी तिजारा सीट पे बसपा के टिकट पे संदीप यादव वहां से विधायक हैं और इस सीट पर उतारा गया है अलवर के लोकसभा सांसद बाबा पालकनाथ को। इस सीट पे कांग्रेस जो है वो टिकट देती रही है इमामुद्दीन अहमद उर्फ दुर्रू मियां को। दुर्रू मियां पिछला चुनाव हारे थे, उनसे पिछला चुनाव भी वो हारे थे। 2008 में कद्दावर मंत्रियों में गणना शुमार होती थी, ईमानदार छवि के नेता माने जाते हैं, हरियाणा के लोहारू के नवाब, पूर्व नवाब फैमिली से हैं और बाबा बालकनाथ है, उनका अखाड़ा भी हरियाणा में है। तो चुनाव राजस्थान में होगा लेकिन माहौल हरियाणा से बदलेगा अगर दुर्रू मियां को कांग्रेस टिकट देती है तो। क्या कांग्रेस संदीप यादव को ही अपने खेमे में ले आएगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि संदीप यादव जो है वो 2019 में ज्वाइन कर चुके बसपा से, कांग्रेस में विलय हो गया था पार्टी का राजेंद्र गुढ़ा के नेतृत्व में। लेकिन चूंकि इमामुद्दीन अहमद जो दुर्रू मियां हैं उनको लेके किस्सा भी चलता है और बाबा बालकनाथ को भी उनकी जो टीम है उनके जो लोग हैं वो ये प्रचार कर रहे हैं कि फायर ब्रांड नेता है, सीएम के दावेदार हैं। सीएम के दावेदार है या नहीं ये आलाकमान तय करेगा, बीजेपी में कई सारे दावेदार हैं उनमें बाबा बालकनाथ का नाम भी यदाकदा आगे आता है। अब आपको बता दें कि 2011-12 में जब भंवरी देवी वाला केस हुआ था, कांग्रेस आलाकमान मन बना चुका था अशोक गहलोत को पीछे भेजा जाए, किसी ऐसे निर्विवाद नेता को आगे लाया जाए, चेहरे को जिसे सीएम बनाया जा सके, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले
स्पष्ट और साफ सरल छवि के नेता इमामुद्दीन अहमद उर्फ दुर्रू मियां को सीएम बनाने की तैयारियां शुरू हो गई। राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत को इस बात की खबर हुई, उन्होंने पूरी कैबिनेट का इस्तीफा ले लिया। दुर्रू मियां जो कैबिनेट में कद्दावर मंत्री हुआ करते थे, चिकित्सा और स्वास्थ्य जैसा महत्वपूर्ण विभाग संभालते थे, कद और कम कर दिया गया। गहलोत एक बार फिर से आलाकमान पर भारी पड़े। देखना यह है कि बीजेपी की यह सूची गहलोत पे कितनी भारी पड़ती है। तिजारा सीट के बाद मानसूर अलवर जिले की एक और महत्वपूर्ण सीट, यहां से देवी सिंह शेखावत को टिकट दिया गया है। देवी सिंह पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, दूसरे नंबर पे रहे थे, यूआईटी के चेयरमैन रह चुके हैं। मानसूर से गहलोत सरकार की मंत्री शकुंतला रावत विधायक हैं, और अलवर ग्रामीण की जो एससी की सीट है वहां से भी गहलोत सरकार के एक और कद्दावर मंत्री, समाज कल्याण के मंत्री टीकाराम जूली विधायक हैं। उनके सामने जयराम जाटव को उतारा गया। 2013 में जयराम जाटव विधायक रह चुके हैं। देखना है इस चुनाव में क्या कमाल दिखाते हैं। नगर सीट, अनिता सिंह कभी विधायक हुआ करती थी, वहां से बीएसपी के वाजिब अली विधायक हैं, और इस बार अनिता सिंह को टिकट नहीं दे करके जवाहर सिंह बैडम को टिकट दिया गया है। किरोड़ी सिंह बैसला के खास हुआ करते थे जवाहर सिंह बैडम, उनकी विचारधारा के व्यक्ति हैं। ऐसे में लगता है कि किरोड़ी सिंह बैसला जो है वो गुर्जर समाज के एक बड़े नेता के तौर पर सामने, किरोड़ी सिंह बैसला से जुड़े हुए लोग गुर्जर समाज के बड़े नेता के तौर पर बीजेपी की ओर से स्थापित किए जाएंगे। पूर्वी राजस्थान समेत पूरे राजस्थान में पिछले 2018 के चुनाव में एक भी गुर्जर प्रत्याशी नहीं जीता था, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा माहौल बनाया कि सचिन पायलट सीएम बन रहे हैं। सचिन पायलट सीएम नहीं बन पाए, सारे गुर्जर समाज के लोगों ने अपने प्रत्याशी, यानी अगर बीजेपी ने गुर्जर समाज को टिकट दिया था और सामने मीणा समाज का भी व्यक्ति था, तो तमाम मतभेदों के बावजूद सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए गुर्जर समाज ने एक तरफा कांग्रेस को वोट किया था। बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें गुर्जर समाज के बड़े नेताओं को बड़े मौके दिए गए हैं। गुर्जर समाज किस ओर जाएगा, देखने वाली बात होगी। और हम बात कर रहे थे नगर सीट पर जवाहर सिंह बैडम को टिकट दिया गया है। जो वैर सीट है भरतपुर की, वहां से बहादुर सिंह काली को, बहादुर सिंह कोहली सांसद रह चुके हैं और 13वीं और 14वीं विधानसभा में लगातार जीते थे, लेकिन बाद में 14वीं विधानसभा में उन्होंने इस्तीफा देकर सांसद का चुनाव लड़ा, सांसद बने। लेकिन भजनलाल जाटव जो है वो उपचुनाव में जीते थे 14वीं विधानसभा के लिए और 15वीं में लहर में जीते। भजनलाल जाटव मंत्री है गहलोत सरकार में, और हिंडौन उससे अगली सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए वो भी रिजर्व है। भरोसीलाल जाटव वहाँ से विधायक रह चुके हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल विधायक हैं। राजकुमारी जाटव जो विधायक रह चुकी हैं वहाँ से, उनको 2013 में विधायक रही थी, उनको वापस एक बार से बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। सपोटरा एसटी की सीट है, सपोटरा सीट पर हंसराज मीणा को टिकट दिया गया। इस सीट पर पिछली बार गोलमा देवी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन रमेश मीणा जो कि पंचायत राज मंत्री हैं वो जीते थे। लगातार तीन बार से रमेश मीणा यहाँ विधायक है। 2008 में कांग्रेस के टिकट पे नहीं, बसपा के टिकट पे विधायक बने थे, फिर मंत्री बनाए गए। उसके बाद में 2013 और 18 कांग्रेस में, जैसे नवलगढ़ में राजकुमार शर्मा बने हैं। बांदीकुई एक बड़ी सीट है अलवर दौसा जिले की। बांदीकुई सीट पे गजराज खटाना कांग्रेस से विधायक हैं, उनके सामने भागचंद डाकरा को टिकट दिया गया। भागचंद पिछले बार 45,000 वोट लाए थे, निर्दलीय चुनाव लड़ा था। रामकिशोर सैनी वहां दूसरे नंबर पर रहे थे, तो ये जो चुनाव है बड़ा रोचक होने वाला है बांदीकुई सीट पे। लालसोट जो सीट है वहां से प्रसादी लाल मीणा, अशोक गहलोत सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य और शराब वाले मामले के मंत्री हैं, उनके सामने रामविलास मीणा को टिकट दिया गया है। बामनवास सीट सवाई माधोपुर जिले की बहुत बड़ी सीट है, वहां से इंदिरा मीणा फिलहाल विधायक हैं, उनके सामने राजेंद्र मीणा चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार हारने वाले नवलकिशोर मीणा को टिकट नहीं दिया गया। सवाई माधोपुर सीट पर किरोड़ीलाल मीणा राज्यसभा सांसद को उतारा गया है। 2008 में मीणा यहाँ से जीते थे एनपीपी के टिकट पे, बाद में 2009 में वो सांसद बन गए, यहाँ से लोकसभा चले गए। 2013 में किरोड़ीलाल मीणा दिया कुमारी के सामने यहाँ चुनाव हार गए थे, और अब जो है यहाँ से दानिश अवरार बसपा के जो हैं वो विधायक हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें एक और महत्वपूर्ण सीट की, जिसमें विजय बैसला को टिकट दिया गया है। जी हाँ, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे जो हैं विजय बैसला, उनको बीजेपी ने टिकट दिया है देवली उनियारा सीट से, और उनके सामने जो विधायक हैं वो पायलट खेमे के हैं। जी हाँ, जो विधायक हैं उनका नाम है हरीश मीणा, कभी बीजेपी के हुआ करते थे, फिर कांग्रेस में आ गए सचिन पायलट खेमे में, अपनी ही सरकार के धरने पे खिलाफ धरने पे बैठे थे, लेकिन ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में हरीश मीणा को बीजेपी कांग्रेस टिकट देगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देवली उनियारा सीट पर अब कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे विजय बैसला अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें किशनगढ़ की सीट, जहाँ पर बीजेपी भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है,
वो निर्दलीय सुरेश टाक वहां से विधायक है, उनके सामने अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी को उतारा गया। भागीरथ चौधरी दो बार पहले यहां से विधायक रह चुके हैं। और साथ ही अजमेर जिले की एक और हॉट सीट है केकड़ी, यहां से शत्रुघ्न गौतम को टिकट दिया गया है। शत्रुघ्न गौतम 2013 में विधायक थे, रघु शर्मा के कासे रघु शर्मा के सामने इनको उतारा गया है। रघु शर्मा जो कोविड वाले दौर के अंदर राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री थे, कई तरह के मुद्दे उठे थे उस वक्त सामानों में खरीद और उसको लेके, बाद में रघु शर्मा को यहाँ से गुजरात का प्रभारी बनाया गया। सरकार जब बदलने की बात चली थी तो उस समय ऐसी बात सामने आई कि रघु शर्मा ने भी कोशिश की थी कि ब्राह्मण चेहरे के नाते अगर पार्टी मौका देती है तो रघु शर्मा को सीएम फेस बनाया जाए। अब अगर रघु शर्मा वहां से चुनाव लड़ते हैं तो रघु शर्मा वर्सेज शत्रुघ्न गौतम चुनाव कैसा होगा? एक ही समाज के दो प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ते हैं, 2013 में ऐसा हुआ था जिसमें शत्रुघ्न गौतम जीते थे, 2018 में राजेंद्र विनायका को टिकट दिया गया था, शत्रुघ्न गौतम का टिकट काट के, लेकिन राजेंद्र विनायका चुनाव जीत नहीं पाए। और अब 23 में एक बार फिर से मुकाबला 13 ही जैसा है। तो इसके अलावा अगर अपन बात करें बिलाड़ा सीट की, जो जोधपुर जिले की एकमात्र सीट घोषित हुई है, एससी की सीट है, वहां से अर्जुन गर्ग को टिकट दिया गया है। अर्जुन लाल गर्ग वसुंधरा सरकार में मंत्री हुआ करते थे, 2013 में विधायक बने थे और 18 में हार गए थे। अभी फिलहाल वहां से कांग्रेस के हीरालाल एमएलए हैं। एक और बड़ी सीट हरीश चौधरी वाली बायतू, जहां से कैलाश चौधरी चुनाव हारे थे पिछला, उस सीट पे नए प्रत्याशी बालाराम मूंड को टिकट दिया गया है। बालाराम मूंड जो है वो चुनाव इस बार बीजेपी के टिकट पे लड़ेंगे। इस सीट पे हालांकि आरएलपी के उम्मीदवार राम जो है उन्होंने काफ़ी प्रभावी यानी कि दूसरे नंबर का प्रदर्शन किया था, बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर पे, कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पे चले गए थे, बाद में कैलाश चौधरी को यहाँ से सांसद बनाया। चौथे नंबर पर रहने वाले किशोर सिंह जो 27,500 के आसपास वोट लाए थे वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो लगता है कि एक बड़ा दलित वोट बैंक बीजेपी की ओर आ सकता है। अब एक और बड़ी सीट हॉट सीट सांचौर सीट जो बीजेपी है वो 2003 के बाद नहीं जीती है। 2003 में जीवाराम चौधरी वहां से विधायक बने थे बीजेपी के टिकट पे। 8 में बीजेपी ने जीवाराम का टिकट काट दिया तो जीवाराम निर्दलीय चुनाव जीत गए, लेकिन सरकार नहीं आई। 2013 में सांचौर से सुखराम विश्नोई चुनाव जीते, विधायक बने, और 2018 में भी लगातार दूसरी बार वो विधायक बने। अब वहां से जालौर सिरोही के सांसद देवजी पटेल को चुनाव मैदान में उतारा गया। देवजी पटेल सांचौर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, हालांकि गुजरात में सेटल हैं, पर वो लगातार वहाँ पे 2009 से सांसद हैं, 3 बार करीब 14-15 सालों से वहाँ सांसद हैं। ऐसे में अब यह टिकट देके बीजेपी ने सीधे तौर पे जालौर सिरोही जिले के जातीय समीकरणों को एक नया आधार दिया है। बीजेपी जो है वो अगर सांसद को वहाँ से टिकट दे रही, दानाराम चौधरी को पिछली बार टिकट दिया था, 2013 में जीवाराम को मिला, लेकिन और 2008 के अंदर वहाँ से मिलाप चंद कानूनगो को टिकट दिया गया था, लेकिन ये प्रत्याशी जीत नहीं पाए। देखना यह है क्या देवजी पटेल इस बार चुनाव जीत पाएंगे। बीजेपी लगातार प्रत्याशी वहां बदल रही है, नए प्रयोग कर रही हैं। देवजी पटेल को लेके वहां एंटी इनकम्बेंसी है, विरोध भी है, सांसद रहते हुए क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करवाने का आरोप भी है। सांसद का नाम भीनमाल से भी चला, लेकिन भीनमाल के विधायक का जो विरोध सामने आया उसके बाद में अब देवजी पटेल को सांचौर से उतारा जा रहा है। देखना यह है कि बीजेपी क्या इस प्रयोग में सफलता पा पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेवाड़ के काफ़ी सारे टिकट डिक्लेयर किए गए हैं, जिसमें उदयपुर की खैरवाड़ा सीट जहां से दयाराम प्रवार 6 बार विधायक रहे हैं, उस सीट पे नानालाल आहारी को उतारा गया है। नानालाल आहारी 12वीं और 14वीं विधानसभा यानी कि 2003 में और 2013 में विधायक रह चुके हैं, और आहारी को एक बार फिर से मौका दिया है बीजेपी ने। डूंगरपुर जो सीट है जहां से कांग्रेस यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोगरा चुनाव जीते थे, उस सीट पे बंसीलाल कटारा को उतारा गया है। पिछली बार यहाँ माधवलाल वरहाट थे, लेकिन इस बार टिकट बदला गया है। इसी के अलावा सागवाड़ा जो सीट है, सागवाड़ा सीट पे जहाँ से रामप्रसाद गर्ग बीटीपी के जीतते हैं, वहाँ पे शंकर डेचा को टिकट दिया गया है। 84 जो सीट है जहाँ से बीटीपी के ही प्रत्याशी राजकुमार रोत युवा विधायक हैं, उनके सामने सुशील कटारा को टिकट दिया गया है। और बागीदोरा जो सीट है, जो कि 3 बार से कांग्रेस लगातार जीत रही हैं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय वहां से विधायक हैं, उस सीट पे श्रीमती कृष्णा कटारा को मालवीय के सामने उतारा गया है। मालवीय आदिवासी समुदाय के बड़े नेता हैं और बड़ा चेहरा रखते हैं, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य भी अभी बनाए गए हैं। साथ ही कुशलगढ़ की जो सीट है, यह सीट वो सीट है जहां आजादी के बाद कांग्रेस सिर्फ 1 बार जीती और बीजेपी भी 1 ही बार जीती है। इस सीट पर समाजवादियों का वर्चस्व रहता है। इस सीट पर रमीला खड़िया निर्दलीय विधायक हैं, हुरतिंग खड़िया की पत्नी हैं, उनके पति के निधन के बाद फिलहाल वो विधायक हैं और कांग्रेस हो सकता है रमीला खड़िया को टिकट दे। उनके सामने भीमा भाई डामोर को प्रत्याशी बनाया गया है।
मांडल सीट जहां से रामलाल जाट कांग्रेस के मंत्री हैं, राजस्व मंत्री हैं, जिले उन्होंने ही नोटिफाइड किए हैं, उस सीट पे उदयलाल भड़ाना को प्रत्याशी बनाया गया। उदयलाल भड़ाना निर्दलीय लड़े थे, पिछली बार चौथे नंबर पे रहे थे। दूसरे नंबर पे प्रद्युमन सिंह राणावत और हैप्पी बना रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया है। चौथे नंबर वाले उदयलाल भड़ाना को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। और तीसरे नंबर पे रहे थे भाजपा के कालूलाल गुजर, कालूलाल गुजर का टिकट काट दिया गया है, उम्रदराज हो गए हैं। ऐसे में क्या कैलाश मेघवाल का टिकट भी कटेगा? भीलवाड़ा जिले से एक बड़ा सवाल है। उम्रदराज कालूलाल गुर्जर इस बार विधानसभा प्रत्याशी नहीं होंगे। ऐसे में साफ है कि कैलाश मेघवाल, जो कि बड़ी बड़े बयानबाजी और उनको लेकर चर्चाओं में आए थे, उनका टिकट भी अब सेफ नहीं है। सहाड़ा की जो सीट हैं, सहाड़ा जहाँ उपचुनाव हुए थे, जो कैलाश त्रिवेदी वहाँ से विधायक थे तीन बार, उनकी पत्नी गायत्री देवी उपचुनाव में विधायक बनी, बड़े लंबे बड़े खासे वोट से जीती थी वो। उस सीट पर लादूलाल पितलिया को प्रत्याशी बनाया गया है। अब देखना है कि इन 41 सीटों पे जो घोषणाएं हुई हैं, उन 41 सीटों में बीजेपी जो है वो किस तरीके से अपनी ये जो डी कैटेगरी की, सी कैटेगरी की जो सीटें हैं, इनमें कैसे वो अपने अपनी जीत का आधार तय कर सकती है, देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ा सवाल होगा कि कांग्रेस की पहली सूची कब आएगी, बीजेपी की दूसरी कब आएगी, सारे 200 सीटों पर कौन कौन सी पार्टियाँ कब कब प्रत्याशी उतारेगी। 23 नवंबर चुनाव होंगे, उससे पहले अक्टूबर में ही नामांकन और ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव की धुम भी बज चुकी है, माहौल बनने लगा है। और आपसे अपील है कि अगर आपने अब तक थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।